जाने पर निद्रा कम हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही से निद्रा जनित सुख भी मिल जाता है। इसी से ध्यान अभ्यासी पुरुष 1-1.5 घंटा सोकर भी रह सकता है। जब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है तो फिर आराम की इच्छा नहीं रहती। जब चित्त से विक्षेप निकल जाए तभी ध्यान पूरा हुआ समझो। चिंतन से चिंतन दूर होता है। जब भगवत चिंतन पूर्ण हो जाता है तो जगत चिंतन स्वयं छूट जाता है। चिंतन को ध्यान भी कहते हैं। ध्यान के समय शरीर को मन के साथ मिलाना नहीं चाहिए। यदि मन स्थिर न हो तो भी शरीर को नहीं हिलने देना चाहिए। इस प्रकार शरीर को स्थिर रखकर चित्त को एकाग्र रखने का प्रयत्न करें। पहले तो समाधि और जागृति दो ही अवस्थाएं थी, पीछे स्वप्न और सुषुप्ति और बढ़ गई। यदि कोई 8 घंटा समाधि में रह सके तो फिर 16 घंटा जागृति में रह सकता है, उसे सुषुप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। 6 घंटे से कम समाधि होने पर तो सुषुप्ति में रहना ही पड़ेगा। ध्यान में हठ की आवश्यकता है। एक लक्ष्य में वृत्ति को स्थिर करके तद आकार रखना ही हठ है। इसी से तो इसके सिद्ध होने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। रास्ता चलने से वह मार्ग ही आगे का रास्ता भी दिखा देता है। सत्संग से भी इसमें कुछ सहायता मिलती है, किंतु यह गौण पक्ष है। मुख्य पक्ष तो यही है कि गुरु जो कुछ बताए उसी पर दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, चाहे ज्ञान हो या भक्ति। जब तक विक्षेप निवृत्त नहीं होगा तब तक सुख नहीं मिल सकता। विक्षेप की निवृत्ति न होने से ज्ञानी और भक्तों में भी आसुरी संपत्ति रह जाती है। देखो, शिशुपाल आदि को भगवान मिल गए थे तो भी उनका आसुरी भाव निवृत्त नहीं हुआ। प्रशंसनीय तो वही ज्ञान और भक्ति है जिनमें दैवी संपत्ति रहे। यह विक्षेप की निवृत्ति ध्यान द्वारा निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने पर ही होती है। रोग आदि के कारण विस्मृति होना बुरा है, किंतु ध्यान या प्रेम से विस्मृति होना अच्छा है। गाढ़ सुषुप्ति तमोगुण की पराकाष्ठा है और समाधि सत्वगुण की पराकाष्ठा है। सुषुप्ति में अज्ञान के कार्य का लय हो जाता है और कारण स्वरूप अज्ञान रह जाता है, तथा समाधि में सत्वगुण के कार्य का लय होकर कारण रूप विशुद्ध सत्व रह जाता है। सत्वगुण की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए यह जन्य है और सुषुप्ति प्रपंच से थकावट होने पर स्वभाव से ही होती है, इसलिए जन्य नहीं है। और जन्य होती है उसे अवस्था ही कहते हैं। जब लड़की छोटी होती है तो अपने पिता के अधीन रहती है, किंतु युवती होने पर वह अपने पति को अपने अधीन कर लेती है। इस प्रकार समाधि प्राप्त होने पर माया अपने अधीन